इस वीडियो के अंदर हम लोग वर्डप्रेस को यूज़ करके एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे। जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा एक बिजनेस कोच का। इसमें क्या होता है, बेसिकली आप लोगों को ट्रेन करते हो, गाइडेंस प्रोवाइड करते हो उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, उनको बेसिकली आप गाइड करते हो एक बिजनेस फील्ड में आने के लिए। आप इस वेबसाइट के ऊपर सारे कंटेंट को चेंज कर सकते हो, इमेजेस को चेंज कर सकते हो, और इवन कंटेंट एंड इमेजेस को चेंज करके किसी और टॉपिक के अकॉर्डिंग भी इसको बना सकते हो। हम लोग क्योंकि इसको वर्डप्रेस के अंदर बनाएंगे, तो अगर आपने ज़िंदगी में कभी कोई कोडिंग नहीं की है तो भी आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करके इस वेबसाइट को 20 से 25 मिनट के अंदर बहुत इजीली क्रिएट कर लोगे। बात करते हैं यहाँ पर डेमो की। तो यहाँ पर आपका एक लोगो रहेगा और कुछ नेविगेशन के आइकन्स रहेंगे। यहाँ पर आपके सोशल मीडिया के लिंक रहेंगे, इसके ऊपर क्लिक करके लोग आपके सोशल मीडिया के पेजेस के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। वर्क विद मी में आपका ये कॉन्टैक्ट का पेज खुल जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हो टैगलाइन वगैरह मेंशन होगा। एनिमेशंस मैंने काफ़ी सारे लगा रखे हैं और यहाँ पे आ जाएगा आपने किस किस के ब्रांड के लिए काम किया हुआ है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। नीचे अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूँ तो टॉपिक्स आप कौन कौन से डिस्कस करते हो, जब आप लोगों के बिजनेस के थ्रू गाइड करते हो, बिजनेस कोच बनते हो उनके, तो क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पे कवर अप करते हो। यहाँ पे उसके डिटेल्स हैं, आप उसको रीड आउट कर सकते हो। अबाउट मी, आपके बारे में थोड़ा बहुत आप यहाँ पे लाइन दे दोगे, आपका एक टैग लाइन दे दोगे, आपके क्लाइंट्स आपके बारे में क्या कहते हैं, उनके फीडबैक यहाँ पे आप लिस्ट कर दोगे, और नीचे आपका एक कॉमन सा फुटर है जो हर एक पेज में आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं यहाँ पे अबाउट अस पेज की। तो ये हमारा एक अबाउट अस पेज है और यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिकली आपके बारे में यहाँ पे डिटेल होंगी, या फिर जिसके लिए आप ये वेबसाइट बना रहे हो वो, उसके क्लाइंट्स, एंड अगेन वही चीज़, एक वीडियो यहाँ पे लगा सकते हो, टॉपिक्स क्या कवर होंगे वो, और नीचे आपका अगेन आपको फुटर देखने को मिलेगा। बात करते हैं यहाँ पे सर्विसेज के पेज की। तो ये आपका एक सर्विसेज का पेज है, आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, क्लाइंट के फीडबैक, अगेन वही सर्विसेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा थोड़े बहुत चेंजेस के साथ, और नीचे आपका एक फुटर है। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्टैक्टस का पेज है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह आपको देखने को मिलेगा। राइट हैंड साइड पे आपके पास गूगल मैप का एक ऑप्शन है, नीचे आपके पास एक फॉर्म है, यूज़र आपका इसके ऊपर जो भी फॉर्म का डिटेल फिल करेगा ये आपको ईमेल के ऊपर रिसीव हो जाएगा। तो ये वेबसाइट है जो हम आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर क्रिएट करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेक श्योर चैनल के प्लेलिस्ट को जाके देखें, यहाँ पे आपका वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग, ई कॉमर्स डेवलपमेंट, बहुत कुछ है जो मैंने ऑलरेडी करा रखा है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। अब देखिए, इस वेबसाइट को मैं लाइव बनाने वाला हूँ, डायरेक्टली ऑनलाइन बनाने वाला हूँ डोमेन एंड होस्टिंग के ऊपर, क्योंकि ऑब्वियसली आप क्लाइंट के लिए काम करोगे तो उसकी वेबसाइट का ऑनलाइन प्रेजेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे लोग उसको कहीं से भी उसका डोमेन नेम टाइप करके उसको ओपन करके देख सके। अगर आपके पास करंटली डोमेन एंड होस्टिंग नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करें, आपको दो वीडियो का लिंक मिलेगा। पहली वीडियो में मैंने सिखा रखा है कि वर्डप्रेस को अपने ही कंप्यूटर पर कैसे इंस्टॉल कर सकते हो आप, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑनलाइन करने वाला हूँ, और दूसरी वीडियो में मैंने क्या बता रखा है, इन फ्यूचर आपका मन करता है और आपके पास एक सर्वर आ चुका है तो मैंने बताया है अपने कंप्यूटर से एक बैकअप फाइल जनरेट करके उस वेबसाइट को ऑनलाइन कैसे माइग्रेट करना है। तो मेक श्योर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें। किसी भी तरीके की वेबसाइट को बनाने के लिए और उसे ऑनलाइन लाने के लिए कम से कम यहाँ पर दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक होता है आपका डोमेन नेम, दूसरा होता है आपका होस्टिंग। डोमेन रेसर डॉट कॉम पर आकर के आपको ये सारे ही सर्विसेज मिल जाती है। अगर आपको सिर्फ डोमेन नेम की रिक्वायरमेंट हो तो आप नीचे स्क्रॉल करें और यहाँ से अपने लिए आप एक डोमेन नेम सेलेक्ट कर सकते हो। हमारे केस में हमें वर्डप्रेस पे काम करना है, हमें डोमेन एंड होस्टिंग दोनों की ज़रूरत है, तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे वेब होस्टिंग पे। वेब होस्टिंग पे क्लिक करने के बाद आप रीड आउट कर सकते हो, डोमेन रेसर आपको लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है और प्योर SSD का डिस्क स्पेस आपको प्रोवाइड किया जाता है। SSD काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है, जिन लोगों ने यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर भी यूज़ किया हुआ है उनको पता होगा कितना ज़्यादा फास्ट होता है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपकी वेबसाइट को 20 टाइम्स फास्टर बनाता है। बात करें अगर हम प्राइसिंग प्लान की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिक प्लान स्टार्ट होता है 59 रुपीज़ पर मंथ से, जो कि एडवांस तक जाता है 249 रुपीज़ पर मंथ तक। पर्सनल प्लान के अंदर आप एक वेबसाइट यानी कि एक डोमेन नेम को ऑनलाइन लेकर के आ सकते हो, SSD की अनलिमिटेड स्टोरेज है, अनलिमिटेड ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हो, बैंडविड्थ अनलिमिटेड है, लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी है, प्रीमियम SEO टूल आपको देखने को मिलेगा। सिल्वर प्लान के अंदर आप 3 वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, बाकी सारी ही चीज़ें सेम है, अनलिमिटेड है। एडवांस प्लान के अंदर आप एक डोमेन नेम आपको फ्री मिलता है, जितने मर्जी वेबसाइट होस्ट कर लो, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है यहाँ पे, बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अनलिमिटेड देखने को मिलेंगी। ये IT इंडस्ट्री वालों के लिए, वेब डिज़ाइनर, डेवलपर्स के लिए, फ्रीलांसर्स के लिए बहुत ही बढ़िया प्लान है, क्योंकि इसके अंदर आप जितने मर्जी वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हो। इन तीनों ही प्लान के अंदर आपको प्रीमियम SEO टूल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेगा, जिसकी मार्केट कॉस्ट $49 पर मंथ है, अप्रॉक्सीमेटली 3700 रुपीज़ पर मंथ, जिसके लिए आपको कोई पैसा नहीं खर्चना, डोमेन रेसर आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है। बेसिक प्लान के अंदर आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, 1 GB की स्टोरेज है, 10 ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हो, 5 GB की बैंडविड्थ है, लाइट स्पीड टेक्नोलॉजी है,
तो रिसोर्सेज की लिमिटेशन है। अगर आपको लगता है आपका इतने में काम हो जाएगा तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर प्रीमियम SEO टूल आपको फ्री में नहीं मिलेगा, अलग से आप उसको खरीद सकते हो। तो आपके रिक्वायरमेंट, आपके बजट के हिसाब से जो आपको सूटेबल लगता है उसको सेलेक्ट करें। मैं यहाँ पर सिल्वर को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है अपना डोमेन नेम, उसका एक्सटेंशन, चेक पे क्लिक करें। एक बार ये अवेलेबल हो जाता है तो नीचे स्क्रॉल करके कंटिन्यू करें, और यहाँ से अपने डिटेल्स को रीड आउट करके कंटिन्यू करें, अगेन कंटिन्यू करें, यहाँ से डिटेल को रीड आउट कर लो, कुछ मिस्टेक हो तो उसको एडिट करके करेक्ट करें, कुछ एक्स्ट्रा दिखता है तो यहाँ से उसको डिलीट करें, सारा कुछ करेक्ट लगता है आपको तो यहाँ से चेकआउट पे क्लिक करें। चेकआउट पे क्लिक करने के बाद ये आपका एक बेसिक सा साइन अप फॉर्म है, जिस तरीके से आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हो उसी तरीके से आपको यहाँ भी अपने ऑर्डर को प्लेस करना है, अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल पास करने हैं, साइनअप करना है, नाम, ईमेल वगैरह प्रोवाइड करना है, पासवर्ड प्रोवाइड करके अपना ऑर्डर जो है वो कंप्लीट कर लेना है। एक बार आपका ये ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो जाता है तो आप domainracer.com पे आकर के यहाँ लॉगिन पे क्लिक करोगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ऑर्डर प्लेस करने के टाइम पे जो ईमेल एंड पासवर्ड आपने दिया था वो प्रोवाइड करके लॉगिन करें। यहाँ से जितने भी सर्विसेज आपने ऑप्ट किए होंगे वो आपको दिख जाएगा, सिंपली आपको सर्विसेज के ऊपर क्लिक करना है, और जिस भी डोमेन पे आपको काम करना हो उसको एक्टिव बटन पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आपको लॉगिन टू cPanel, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो डोमेन रेसर अपने सर्वर्स के अंदर, होस्टिंग के अंदर आपको 100+ ऑप्शन देते हैं हर एक चीज़ के लिए, तो आप काफ़ी कुछ यहाँ पे नॉलेज गेन कर सकते हो और सीख सकते हो। ईमेल के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, जेट बैकअप के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, फाइल को हैंडल करने के लिए फाइल मैनेजर और बहुत सारे ऑप्शंस है, SEO टूल्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, तो आप इस होस्टिंग के जरिए बहुत कुछ यहाँ पे सीख सकते हो। हमें यहाँ पे क्या करना है, करंटली हमें मतलब है वर्डप्रेस से, तो नीचे स्क्रॉल करके वर्डप्रेस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ से अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो एक इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मेक श्योर यहाँ पे HTTPS कनेक्शन सेलेक्टेड हो, आपका करेक्ट डोमेन नेम हो, डायरेक्टरी को आप यहाँ से डिलीट कर दोगे, और यहाँ पे नीचे आकर के जब आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद उसके डैशबोर्ड को लॉगिन करने के लिए एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड आपको यहाँ से क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद मेक श्योर इस ईमेल एड्रेस को डिलीट करके यहाँ से अपना करेक्ट ईमेल एड्रेस रखें, क्योंकि आपका फॉर्म का डेटा आपको उसी ईमेल के ऊपर रिसीव होगा। नीचे स्क्रॉल करके आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो भी डोमेन नेम आपने सेलेक्ट किया था उसको आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हो, ये मेरा डोमेन नेम है digitalmarketing.webhostingindia.racing, जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये एक बेसिक सा थीम इसके ऊपर एक्टिवेटेड होता है जो कि हर साल चेंज होता है, तो इसको इग्नोर करें। और यहाँ से आपको इसको कॉपी कर लेना है, कॉपी करके न्यू टैब पे आ जाए, इसको पेस्ट करें, और यहाँ पे आपको लिखना है डोमेन नेम आपका, उसके बाद /wp-admin, ये आपको टाइप करके एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के टाइम पे जो एडमिन यूज़र नेम और पासवर्ड आपने दिया था वो प्रोवाइड करके सिंपली यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करें। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप चाहें तो पिछले टैब्स को यहाँ से कट कर सकते हो। अब ये मेरा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, ये मेरी वेबसाइट है। अगर आप अपना डोमेन नेम भूल गए हो तो भी आप यहाँ से व्यू साइट पर जा करके उसको देख सकते हो, तो भी ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला काम जो हमें करना है वो ये है कि जो भी हमारी इस वेबसाइट के लिए प्लगइन की रिक्वायरमेंट्स है वो हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे प्लगइन्स पे, और जो भी आपको यहाँ पे दिखता है करंटली उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको सेलेक्ट करके आपको सिंपली यहाँ से डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद यहाँ ऐड न्यू पे क्लिक करें, और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है एस्ट्रा। एस्ट्रा आप थोड़ा बहुत स्क्रॉल कर लेना, हो सकता है आपको ढूंढना पड़ जाए। एक स्टार्टर टेम्पलेट है, आप ये भी टाइप कर सकते हो यहाँ पे, इसको इंस्टॉल करें। दूसरा एस्ट्रा विजिट्स है, करंटली इसके 3 लाख डाउनलोड्स हैं, इसको भी आपको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ से सर्च करना है WP Forms Lite। WP और Forms के बीच में कोई स्पेस यहाँ पे नहीं है, ये इसका लोगो है, सिंपली आपको इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ से सर्च करें Elementor, ये इसका लोगो है, सिंपली आपको यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है। इंस्टॉल होने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखोगे प्लगइन्स में यहाँ पे एक ऑप्शन है इंस्टॉल्ड प्लगइन्स का, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे टिक लगाएं, और सभी को एक बार में आपको यहाँ से एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट होने के बाद आप क्या करोगे, अब हमें इंस्टॉल करना है यहाँ पे एक थीम, यानी कि ये लुक जो है वो चेंज करना है। इसके लिए हम जाएंगे अपीयरेंस पे, और इसके बाद हम जाएंगे थीम्स पे, और इसके बाद आपको क्लिक करना है ऐड न्यू थीम पे, और यहाँ से आपको सर्च करना है एस्ट्रा, कि जो लुक है वो चेंज होता रहता है, तो लुक को इग्नोर करें, स्पेलिंग पे ध्यान दें, सिंपली आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल होने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे थीम्स के सेक्शन में आपको आ जाना है और इसको एक्टिवेट कर लेना है पहले, तो ये जो हमारा एस्ट्रा हमने इंस्टॉल किया था उसको। इसके अलावा जो भी आपको यहाँ पे दिखता है उसके ऊपर क्लिक करें और डिलीट करें, क्योंकि ये आपके सर्वर का लोड बढ़ाता है जो कि हम नहीं चाहेंगे। नीचे एक ऑप्शन मिलेगा स्टार्टर टेम्पलेट, और लेफ्ट हैंड साइड पर भी एक ऑप्शन है स्टार्टर टेम्पलेट, दोनों में से कहीं भी क्लिक करें। क्लिक करने के बाद एक पेज बिल्डर सेलेक्ट करने बोलेगा, एलिमेंटर पर क्लिक करें,
एलिमेंटर एक प्लगइन है, एक टूल है, बेसिकली एक पेज बिल्डर है जिसके ज़रिए आप पेजेस को बना सकते हो, उसके अंदर एडिटिंग कर सकते हो। और यहाँ से आपको सर्च करना है बिजनेस कोचिंग एंड कंसल्टिंग, ठीक है। स्पेलिंग पे ध्यान दें, लुक थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है जब आप इस वीडियो को देखो तब। सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इंपोर्ट कंप्लीट साइट पे क्लिक करें। यहाँ से आपको बताना है वर्डप्रेस में इंटरमीडिएटर हो, बिगनर हो, क्या हो, किसके लिए बना रहे हो, बेसिक डिटेल्स आपको पास करके इस प्रोसेस के पूरा होने का वेट करना है। एक बार जब ये पूरा हो जाता है तो आप यहाँ से व्यू साइट कर सकते हो, इवन आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, या अपना डोमेन नेम टाइप करके डायरेक्टली आप उसको ओपन करके देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे इसका जो लुक है वो कम्प्लीटली यहाँ पर चेंज हो जाएगा, और जो मैंने आपको डेमो में दिखाया उससे मिलता जुलता ये बन करके यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब हमें इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करना है और इसमें चेंजेस जो हैं वो परफॉर्म करना है। तो ये कैसे होगा, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ से आ जाओगे डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड में आने के बाद आपको जाना है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाने के बाद ये जो टाइटल है ना साइट का, ये मैं चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने कर दिया साइबर कोचिंग, क्योंकि करंटली यहाँ पर माई ब्लॉग वर्ड प्रेस वेबसाइट आ रहा है। मैं यहाँ से वर्ड प्रेस वाली लाइन हटा रहा हूँ। नीचे स्क्रॉल करके कंटिन्यू या फिर सेव चेंजेस जो भी मिलता है उस पर क्लिक करें, वेबसाइट पर आए और यहाँ पर आकर के रिफ्रेश करें। साइबर कोचिंग यहाँ पे हमारा वो आ चुका है। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, पिछले वाला टैब को पहले मैं कट कर देता हूँ और इसके एडिटिंग को हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। डोमेन नेम ओपन करके रखना, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एडिट विद एलिमेंटर। अगर नहीं मिलता है तो क्या करोगे, तो आप पिछले वाले पेज पे ही रहना जो आपका डैशबोर्ड है, और यहाँ से अपनी साइट को व्यू कर लेना, तो आपको वो देखने को मिलेगा इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे जाओगे एडिट विद एलिमेंटर, इसको मैं यहाँ पे ओपन करके रख लेता हूँ। और यहाँ पे लेट्स टेक एन एग्जांपल, मुझे इस बंदे का नाम चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहीं पे आप टाइप करना स्टार्ट कर दो। इन अ केस ये काम नहीं करता तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप यहाँ भी टाइप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा साइबर वॉरियर्स, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको इसमें क्लिक करना है और चेंजेस करना है तो आप क्लिक करो चेंजेस करो, यहाँ क्लिक करो चेंजेस करो। मैंने लास्ट में लिख दिया यहाँ पे साइबर वॉरियर्स, और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिंपली अपडेट के ऊपर क्लिक करें, अपनी वेबसाइट पर आए और रिफ्रेश करके एक बार यहाँ पे चेक करें, तो आप देखोगे साइबर वॉरियर्स और लास्ट में यहाँ पे आपको साइबर वॉरियर्स देखने को मिलेगा। ये बटन आपको रिक्वायरमेंट है तो रखो, इसके ऊपर कॉन्टैक्ट फॉर्म को लिंक कर देना, बट मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कंटेंट्स को बहुत ही ईजिली एलिमेंटर पेज बिल्डर की हेल्प से एडिट कर सकते हो। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि आपको ये बैकग्राउंड में लगा हुआ फोटो जो है वो चेंज करना है, तो इसके लिए ऊपर स्क्रॉल करना, 6 डॉट मिलेंगे, इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद स्टाइल पे जाओगे और यहाँ पे इमेजेस के सेक्शन में ये फ़ोटो आपको दिखाई देगा। चूज़ इमेज के ऊपर क्लिक करें और मीडिया लाइब्रेरी के अंदर इस थीम से मिलते जुलते इमेजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहीं पे आपको आपका इमेज देखने को मिल जाएगा, इसका एक रेजोल्यूशन होगा 1910 या जो भी है, यहाँ पे पढ़ लेना उसको, अलग अलग हो सकता है। कोशिश ये करिएगा अगर आप खुद से अपलोड कर रहे हो तो उस रेजोल्यूशन से मिलता हुआ रखें, ताकि आपका डिज़ाइन ख़राब ना हो। और आप यहाँ पे सेलेक्ट फाइल क्लिक करके अपने कंप्यूटर से एक फ़ोटो ले सकते हो। मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके रख देता हूँ। जब आपको यहाँ पे एक प्रीव्यू शो कर देता है तो सिंपली आपको यहाँ पे इंसर्ट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से अपडेट करें और अपने वेबसाइट के ऊपर आ करके रिफ्रेश करें, तो आप देख सकते हो हमारा फ़ोटो जो है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो बहुत ही ईजी है एलिमेंटर के ज़रिए चीज़ों को यहाँ पे एडिट करना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ गया और नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपको ये चेंज करना हो, लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वी हैव वर्कड विद, ठीक है। और नीचे आपका ये लोगो हो गया, किसी भी लोगो को चेंज करना हो क्लिक करें, यहाँ से चूज इमेज करें और बहुत ईजिली आप उसको चेंज कर सकते हो। मैंने आपको ऑलरेडी वो करके दिखा दिया है, उसी तरीके से सारे इमेज आपके चेंज होंगे। ऑलराइट, ये 1 2 3 4 लिखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा, तो इसके ऊपर राइट क्लिक कर रहा हूँ, डिलीट करें। इसी तरीके से आपको ये सारे यहाँ से डिलीट कर लेने हैं। मेक श्योर नंबर के ऊपर सही तरीके से क्लिक करें, वरना आपका ये राइट क्लिक का ऑप्शन ही आपको दिखाएगा। डिलीट करने के बाद यहाँ से इसको अपडेट करें, नीचे स्क्रॉल करते हैं और क्या ऑप्शन है। ये व्यू ऑल सर्विस मुझे नहीं चाहिए है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और नीचे स्क्रॉल करते हैं, ये नॉर्मल से डिटेल है, क्लिक करो। यहाँ से टाइप करके आप अपने अकॉर्डिंग बहुत ईजिली कंटेंट को चेंजेस कर सकते हो। इसकी अलाइनमेंट ख़राब है, लेफ्ट हैंड साइड से सही है लेकिन राइट हैंड साइड से ये ख़राब है। तो इस चीज़ के लिए आप क्या करोगे, पी अलाइन इक्वल्स टू जस्टिफाई, HTML का टैग है, यहाँ क्लिक करो, टेक्स्ट पे जाओ और जा करके पेस्ट कर दो। लास्ट में आ करके /p लगा करके पैराग्राफ टैग को क्लोज करें, अपडेट पे क्लिक करें, ये कंटेंट आपका लेआउट इसका प्रॉपर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको जितनों का करना हो क्लिक करें, कईयों में तो यही नीचे ऑप्शन मिल जाएगा, और जिसमें ना मिले उसमें आप पी अलाइन इक्वल्स टू जस्टिफाई करके
बहुत ही इजीली विद द हेल्प ऑफ एलिमेंटर पेज बिल्डर आप यहाँ पे चेंजेस जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पे एनिमेशन कैसे लगेगा। एनिमेशन को लगाने के लिए कंटेंट के ऊपर क्लिक करें, एडवांस पे जाए, मोशन इफेक्ट पे जाए, एंट्रेंस एनिमेशन, ये सारे के सारे दुनिया भर के अलग अलग एनिमेशन के टाइप हैं, किसी भी एक के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे मैं आ गया, एडवांस पे गया, मोशन इफेक्ट पे गया, एंट्रेंस एनिमेशन, और जो भी एनिमेशन आपको अच्छा लगता है उस पर क्लिक करें। इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आपको इस वेबसाइट के हर एक एलिमेंट को यहाँ पे एनिमेट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं अपने वेबसाइट पे आकर के इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे एनिमेशन जो है वो आ चुका है और जो भी हमने चेंजेस किए थे वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपको हर एक जगह पे एनिमेशन जो है वो परफॉर्म करना है। बात करते हैं यहाँ पे अबाउट अस पेज की, तो उसके ऊपर पहले क्लिक करें। क्लिक करने के बाद एडिट विद एलिमेंटर, और इसको भी आपको यहाँ पे एलिमेंटर के अंदर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अगर आपको इस पे एनिमेशन करना है तो क्लिक करें, एडवांस पे जाए, मोशन इफेक्ट पे जाए, और जैसे मैंने आपको पहले पेज में चेंज करके दिखाया है उसी तरीके से आप यहाँ भी चेंजेस को परफॉर्म करोगे। इमेज के ऊपर क्लिक किया मैंने, चूज़ इमेज पे जा रहा हूँ, खुद से अपलोड करना है तो यहाँ जाके कर लेना। मैं यहाँ पे इसी के थीम के अंदर से उठा लेता हूँ कोई पोर्ट्रेट मोड की फ़ोटो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने इसको इंसर्ट कर दिया। अपडेट पे क्लिक करें और इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आपको यहाँ पे पूरे के पूरे वेबसाइट को, कंटेंट को यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेना है। एलिमेंटर के ज़रिए आप नेविगेशन और फुटर को चेंज नहीं कर सकते हो, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा ऊपर से यहाँ कस्टमाइज पे। कस्टमाइज़र ओपन होने के बाद आप क्या करोगे, अगर आपको ये लोगो चेंज करना है तो यहाँ पे माउस लेके जाओ, पेंसिल का एक आइकन आएगा उसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा लोगो, एक रिमूव का ऑप्शन है, एक चेंज का ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करें। मीडिया लाइब्रेरी से सेलेक्ट कर लो कोई, या खुद की अपलोड कर लो। इमेज अपलोड करना तो आपको ऑलरेडी बता दिया मैंने, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं यहीं से देखते हैं कौन सा अच्छा लगेगा, इसको पिक कर लेता हूँ। चूज़ इमेज पर क्लिक करें, और अगर इसका हाइट और विड्थ ख़राब दिखता है तो नीचे स्क्रॉल करना, यहाँ से वो एडजस्ट कर लेना, ठीक है, ताकि वो देखने में आपको बेटर लगे। तो मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ, और ये हो जाने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे आप देख रहे हो ये ग्लोब का एक आइकन है, मैं चाहता हूँ वहाँ भी ये देखने में अच्छा लगे, तो ये आपका एक साइट आइडेंटिटी या साइट टाइटल कहलाता है। पब्लिश कर देता हूँ, वो भी आपको यहीं कहीं देखने को मिल जाएगा। बैक करें यहाँ से, ये देखो साइट टाइटल लोगो आपके पास एक ऑप्शन है, नीचे स्क्रॉल करें, ये रहा साइट आइकन, इसके ऊपर क्लिक करें, सेलेक्ट साइट आइकन करें, और जो भी आपका लोगो है उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको वेट करना है और पब्लिश करें। अपनी वेबसाइट पे आकर के इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हो लोगो हमारा चेंज हो चुका है और यहाँ पे एक साइट का आइकन भी लग चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे नेविगेशन मेन्यू के बारे में चेंजेस करोगे। अब बात करते हैं नीचे का जो फुटर है उसमें कैसे चेंजेस होगा, बहुत ही ईजी है। नीचे जाओ यहाँ पे और पेंसिल के ऊपर क्लिक कर दो, जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे लेफ्ट हैंड साइड पे आपका कंटेंट लोड होगा और जो भी आपको चेंज करना हो, जैसे कॉन्टैक्ट इन्फो की जगह पे मैंने कर दिया कॉन्टैक्ट अस, तो यहाँ पे अस आ जाएगा। फ़ोन नंबर चेंज करना है तो मैं यहाँ आ गया और मैंने इसको प्रोवाइड किया +91, और इसके बाद मैंने इसको दिया एक नंबर, प्रोवाइड कर रहा हूँ डमी सा। आप इसी तरीके से सारे के सारे कंटेंट को यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। ठीक है, अपनी वेबसाइट पे आकर के एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, देखो कॉन्टैक्ट अस और फ़ोन नंबर मेरा आ चुका है। तो कुछ इसी तरीके से आपको वर्डप्रेस और एलिमेंटर को यूज़ करके एक वेबसाइट को क्रिएट करना होता है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे स्टेप्स को फॉलो करके आप इस वेबसाइट को क्रिएट कर लोगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें। चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।